वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेल्दी ड्रिंक हम बनाएंगे सेब से और चिकंदर से, जो बहुत ही मफीद फल है। चिकंदर जो है एक सब्ज़ी है, बहुत ही मफीद है और हेल्दी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको यरकान का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको जिगर का प्रॉब्लम है, जूस हम बनाएंगे मशीन के ज़रिए। ये देखिए नीचे मैंने गिलास रख दिया है, जूस वाली मशीन मैंने ली है। सेब को मैंने कट कर लिया है, छिलके समेत कट कर देना है आपने, एक एक पीस ऐड करते जाना। नीचे ग्लास रख लेना है आपने। दो पीस आप एप्पल के डालें, एक चिकंदर का पीस डालें। चिकंदर का भी छिलका मैंने उतार दिया है, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चिकंदर की सब्ज़ी, जो ग़ज़ाइयत से भरपूर है, कुफ्ते मदाफ़त में भी बहुत मुफीद है। अगर आपको कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम है तब भी आप सलाद के तौर पे चिकंदर खाते हैं, या इसका जूस बहुत मुफीद है, स्पेशली खून की जिन लोगों को कमी वाक़ होती है या सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए चिकंदर का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यरकान में अगर आपको कैब वगैरह की मतली वगैरह की शिकायत है तो उसमें भी जूस बहुत ही फ़ायदेमंद है। लास्ट में इसमें हम नींबू ऐड करेंगे और काला नमक शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 1 kg एप्पल लिए थे और 2 से 3 अदर इसमें चिकंदर ऐड करेंगे। हफ्ते में 1 से 2 बार आप ज़रूर चिकंदर और एप्पल का जूस पिएं, इस तरह बहुत ही ये फ़ायदेमंद है और बहुत ही मुफीद है। चिकंदर का जो रस है ये आपका हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद है, दिल की तकलीफ़ के लिए बहुत मुफीद है जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है। और अगर बॉडी में आपके ये प्लेटलेट्स की कमी वाकया हो जाती है तो प्लेटलेट्स की कमी को भी जो है पूरा करता है, गुर्दों की सफाई करता है, आयरन कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, खून की कमी को दूर करता है, फाइबर की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक गिलास अगर आप चिकंदर का जूस पी लेते हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है। सैलड के तौर पर आप खाएँ, और स्पेशली जिन लोगों को कील महासों और फिंसियों के प्रॉब्लम होती है, अक्सर छाइयाँ बढ़ जाती हैं या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनके लिए भी चिकंदर का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद है। बालों के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, हाजमा की ख़राबी के लिए, विटामिन ई की मिकदार बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाती है, वज़न को भी कम करने में फ़ायदेमंद है ये, चेहरे की झुर्रियाँ वगैरह जो होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, स्पेशली जो जिगर के अमराज हैं उसमें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है एप्पल और चिकंदर का जूस। सेब जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, सेब तो आपको पता भरपूर है फ़ायदे इसके, लाजवाब फ़ायदे हैं। सेब जो है दिल को ताकत देता है, जिगर के लिए फ़ायदेमंद है, जिगर की सफाई करता है, और बैड जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बन जाता है उसको ख़त्म करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो पैदा करता है। ये देखिए अच्छे से हमने जूस निकाल लिया, जो छिलकों को हैं, छिलके वगैरह जो हैं उनको हम दोबारा से जूस उसका फिर से निकाल सकते हैं, फिर दोबारा से आप ऐड कर दें। सेब्स जो है बॉडी में कुफ्ते मदाफ़त को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। सेब दिल और जिगर और कैंसर और आँखों वगैरह जैसी बीमारियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है, दमे की बीमारियों से बचाता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है सेब, हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है सेब में, कुफ्ते मदाफ़त बढ़ाता है, बैक्टीरिया वगैरह से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। बहुत ही मुफीद सेब और चिकंदर का जूस तैयार है। इसमें काला नमक इस्तेमाल करेंगे, 1 teaspoon नमक ऐड करेंगे। काला नमक तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैदे की गर्मी को दूर करता है, तजाबियत को कम करता है, आयरन जिंक कैल्शियम और पोटाशियम से पाया जाता है, अंतड़ियों और पेट की सफाई करता है, पट्ठों की दर्द में भी फ़ायदेमंद है। सफ़ेद नमक की नस्बत काला नमक बहुत ही फ़ायदेमंद है, बालों की खुश्की को दूर करता है, जोड़ों के दर्द में मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नींबू जो है इन्फेक्शन को दूर करता है। लास्ट में हम लेमन ऐड करेंगे, 3 से 4 अदर लेमन जो है इन्फेक्शन को भरने से रोकता है,
नींबू जो है खून की सफाई करता है। नींबू जल्दी अमराज में भी बहुत ही मुफीद है। इसमें लेमन में पोटाशियम, विटामिन सी, विटामिन बी पाया जाता है। नींबू जो है जरासीम कोशिका निज़ाम हजम में बहुत ही फ़ायदेमंद है और जल्दी अमराज में भी बहुत फ़ायदेमंद है, और जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मुफीद चकंदर और सेब का जूस तैयार है, जो दिल के अमराज के लिए और स्पेशली जिनको जिगर का प्रॉब्लम है, जिनको यरकान की शिकायत है और जिन लोगों को स्पेशली अनीमिया की शिकायत वाकई हो जाती है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। नज़ला ज़ुकाम में मुफीद है, जिगर के अमराज के लिए, दिल के अमराज के लिए। नींबू गुज़ा को हज़म करने में मदद करता है और जिन लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। यरकान जैसे मर्ज में बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही मुफीद, बहुत ही हेल्दी चिकंदर और सेब का जूस तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर विद शाहिन, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।